हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे है और अभी जो है दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, नवरात्रि शुरू हो चुका है और ये बहुत ही लकी डेज है। हो सकता है इस बार थोड़ा बहुत मेला लग जाए, लेकिन सावधानी पूर्वक आप लोग जो है प्रिकॉशन लेते हुए, सावधानी बरतते हुए आप लोगों को मेला जाना है। और मैं इसमें आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूँ। मैं यहाँ भी यहाँ पर जहाँ रहता हूँ, पहले वहाँ पर मैं नहीं रहता था, तो जहाँ पे रहता था वहाँ पे कई सारे लोग जो है आसपास में रहते थे और उन लोग एक चीज़ बोला करते थे और मैं उसको समझ नहीं पाता था कि ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर बाद में मुझे समझ में आ गया कि इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है। तो इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करूँगा। तो सबसे पहले बता दूँ कि आप लोग जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को मुझसे बहुत शिकायत रहती होगी। शिकायत ये है होगी कि मेरा जो वीडियो है बहुत लेट से आता है या फिर जब आपकी आवश्यकता पड़ती है उस समय नहीं मिल पाता है। तो इसके पीछे रीजन मैं पहले भी बतला चुका हूँ और ये रीजन में बदलाव नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मुझे जहाँ से रोजी रोटी का इनकम होता है, कहने का मतलब ये है कि मुझे जहाँ से मेरा रोजी रोटी चलता है, सबसे पहले मुझे वहाँ टाइम देना पड़ेगा, वहाँ काम करना पड़ेगा, उसके बाद समय बचा के उसके बाद मैं यहाँ पे यूट्यूब पे काम करता हूँ। इसके बावजूद मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप एक जगह काम करते हैं वहाँ से आप हरासमेंट हो जाते हैं, थक जाते हैं, फिर दूसरी जगह काम करने का प्रयास करते हैं तो आप उतना काम नहीं कर पाएंगे। मतलब इसी तरह से ये चलेगा जब तक कि आप मतलब यूट्यूब से अर्निंग ना हो तब तक आप इस पर ज़्यादा समय नहीं दे सकते, क्योंकि आपको सबसे पहले रोजी रोटी देखना है, घर चलाना है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आप स्टूडेंट हैं, अभी ये सारी बातें हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और मैं कहाँ स्टूडेंट का बाप हूँ, तो मुझे उस हिसाब से चलना होगा। लेकिन इसी तरह करते हुए लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, ये रियलिटी है। हो सकता है आप लोगों को पता ना चले, लेकिन मैं इतने समय से देख रहा हूँ, इतने समय से यही होता है लाइफ में, धीरे 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 करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था कि मैं जिस जगह पर रहता था वहाँ पे उन लोग अक्सर बोला करते थे, क्या बोलते थे, आज मन नहीं लग रहा, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ दिन अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मैं सोचा करता था, अरे यार ये मन क्यों नहीं लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो ऐसा नहीं सोचता, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मन क्यों नहीं लग रहा है, ऐसा कोई मुझे तो फील ही नहीं होता। उन लोग बोलते थे कि मन नहीं लग रहा आज क्या करूं। बाद में मेरी समझ में आया कि मन क्यों नहीं लग रहा। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप भी बोलते होंगे कि पता नहीं आज मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा है तो होता क्या है, इसका इसके पीछे रियलिटी क्या है? तो मन नहीं लगने के पीछे रियलिटी यही है कि उसके पास कोई काम नहीं है, वो खाली बैठा हुआ है, इसीलिए उसका मन नहीं लग रहा है। मैंने जब इस पे सोचना शुरू किया, इसको रिसर्च करना शुरू किया कि बात क्या है, तब पता चला कि उसके पास कुछ काम नहीं रहने की वजह से वो ऐसा बोलते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा। कई सारे लोग ऐसे थे, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, बिकॉज मेरे पास कभी भी वर्क का जो है मतलब काम की कमी नहीं रहता था, हमेशा मैं कुछ ना कुछ काम करते रहता था। तो ये मैसेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप भी बोलते हैं कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मन नहीं लगा इसके मतलब आप खाली हैं, जो खाली रहेगा वही ऐसे बोल सकता है, और जिसके पास लगातार वर्क रहेगा, काम रहेगा, तो उसके पास सोचने का समय नहीं है कि मन नहीं लग रहा, वो कहाँ से सोचेगा, उसके पास टाइम ही नहीं है, वो उसको चिंता पड़ा रहेगा कि मेरा काम कब खत्म होगा। तो इसीलिए कभी भी आप खाली ना रहें, यही मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी खाली ना रहे, आप हमेशा अपने आप को इंगेज रखें, इससे आपको फायदा है। इससे फायदा ये है, सबसे पहले तो आपके लाइफ के लिए फायदा है, कुछ काम करेंगे तो लाइफ में ग्रो करेंगे। इसके अलावा आपका हेल्थ जो है, आपका हेल्थ बिल्कुल सही रहेगा अगर आप वर्क करते रहते हैं। जो खाली आदमी बैठा रहता है, खाया और फिर जो है लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, किसी तरह से टाइम पास कर रहा है, तो उसको क्या होगा, कभी इधर प्रॉब्लम होगा, कभी इधर प्रॉब्लम होगा, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, तो इस तरह की ही स्थिति होता है अगर आप खाली बैठ के टाइम पास करते हैं। तो इसीलिए आज से ये कहना बिल्कुल बंद कि मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आप अपने आप को किसी काम में इंगेज करें, इसका मतलब है कि आप खाली बैठे हुए हैं, इसीलिए आपका मन नहीं लग रहा है। तो यही मैसेज देना था। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह का एक अच्छा टॉपिक लेके फिर से मैं नेक्स्ट संडे को मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।